बार की जो कृषि उपज मंडी है इसमें सर्वप्रथम तो जो प्रमुख जिनसे उनके भाव बता दीजिए, उसके बाद में बात करेंगे कपास की। आज सरसों का भाव रहा 6042 कंडीशन जी, इसकी आवक थी लगभग 1000 से 1500 कट्टी, यानी कि 6000 6000 थोड़ी और डाउन हो गई है जी। और कपास का भाव समझो जी 9000 से 10500 जी। और बाजरा जो बाजरा समझो जी 1800 से लेकर 1950 तक। ये नए बाजरे और पुराने बाजरे के एक ही भाव है? अलग एक ही भाव समझो, यानी कि 1900 रुपये तक बाजरा बेचा। और गेहूँ? गेहूँ का भाव लगभग वही है 2250 2200 2250। और जौ? जौ समझो जी 2500 2700। जो भी डाउन चल रहा है। चना? चने का भाव समझो जी 4300 4500। चना 4300 4500। राहुल जी, जो आने वाला समय है इसमें सरसों के भाव को लेकर क्या संभावना है? तेजी की कोई संभावना नहीं लग रही, सरसों स्टॉक में काफ़ी है, मीलें चल नहीं रही, पड़ते लग रहे तेलों के, तो सरसों अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड आएगी और अगले साल भी सरसों में तेजी की गई मिली। तो अलवर की जो है कृषि उपज मंडी है इसमें जो कपास है, तो इसको बोली से बेचा जाता है या फिर जैसे ट्रेडिंग के द्वारा ही बेची जाती है? बोली नहीं लगती है। तो इस तरह का जो भाव है वर्तमान में 9-10 हज़ार है, तो आपके समय में भी कभी पहले ये भाव देखने को मिला था? पिछले साल 9092-95 से भाव रहा था, खास बात नहीं। अब की बार विदेशों में नुकसान है, अपने यहाँ पर भी पैदावार कम है, तो भाव तो रहेगा। तो आवक कितनी हो रही है? आवक मानो जी 700 800 बल्ली की आवक। और उसकी बाजरे की, नए बाजरे की समझो जी 1500 से 2000 कट्टे। अच्छा, अभी स्टार्टिंग है लेकिन आने वाले टाइम में बढ़ेगी आवक बढ़ेगी। और कपास का कुछ भाव आगे क्या रहने की उम्मीद है? कपास कुछ 12000 बन जाए खास बात नहीं है। अच्छा। लगभग तो चली रहा इस बार कपास पहले से अच्छी आ रही है। अच्छा, पहले से अच्छी आ रही है, क्वालिटी तो सुपर क्वालिटी कपास क्या भाव बिकी? 10500 समझो, अपने 10500। ठीक है सर।